बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एवोल्यूशन कोर्स कोड जूलॉजी 308 फॉर फिफ्थ सेमेस्टर। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन इज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इट इंक्लूड्स टू बेसिक सब टॉपिक्स एज वेल, पैनस्पर्मिया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड केमिकल थ्योरी। ये दो तरह की जो अप्रोचेज है इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन। और अगर कोर्स कंटेंट्स देखें तो कोर्स कंटेंट्स में ये आपका पहला टॉपिक भी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, पैनस्पर्मिया एंड केमिकल थ्योरी। इसको हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। वेल, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज बिगिन मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल्स की अपेयरेंस का जो है वो एस्टिमेट अंदाजा लगाया गया है। एंड यू नो देयर आर डिफरेंट थियरीज कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई प्लैनेट अर्थ पे। 4 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हम कहते हैं हमारी अर्थ इट वाज अ पार्ट ऑफ सन, तो बिग बैंग थियरी के हवाले से कि सेपरेट हुए कुछ प्लैनेट्स और उसी के रिवॉल्व करने लग गए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब अर्थ कूल डाउन होना शुरू हुई तो इसके अंदर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई इसके हवाले से डिफरेंट थियरीज हैं। लाइक ये भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक स्पार्क से कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने का मौका मिला और वहां पे लाइफ स्टार्ट हुई। लाइफ स्टार्टेड इन द डीप सी और डीप सी वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जिन्हें आप पढ़ के आए हैं, वहां पे लाइफ स्टार्ट हुई, ये भी एक थ्योरी है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ मेट ऑन क्ले, सॉइल या क्ले के ऊपर कहां पे कहीं पे मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ उन्होंने इनिशियल फॉर्म्स बनाई। यह एक थ्योरी ये भी है, लाइफ स्टार्टेड इन आइस प्रोटेक्शन, आइस ग्लेशियर्स ने कवर किया हुआ था जब आपके लिए आइस एज में, तो वहां पे लाइफ स्टार्ट हुई। और एक पैनस्पर्मिया या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है कि दूसरे प्लैनेट से कुछ मेटेराइड्स के थ्रू या एस्टेरॉइड्स के थ्रू जो है वो लाइफ स्टार्ट हुई। हम इसमें दो मेन परस्पेक्टिव डिस्कस कर रहे होंगे, केमिकल एवोल्यूशन एंड पैनस्पर्मिया। As far as chemical evolution is concerned, to according to Oparin and Harding, इन्होंने एक चीज दी थी, that life evolved in the oceans when the atmosphere was reducing. शुरू में initial environment में जो conditions थी, they were reducing. Reducing condition का मतलब ये है कि reduction के reactions ज़्यादा common थे. You know, reduction is the addition of hydrogen और इसको दूसरे वे में भी केमिस्ट्री में आप डिफाइन करते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट थी जब ऑक्सीजन कम थी, और जब ऑक्सीजन बाद में ऐड हो गई तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया। इनका मानना यह था कि उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ए बायोजेनेसिस पॉसिबल थी, दैट कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू द ऑर्गेनिक वन एंड देन टुवर्ड्स द लाइफ, कि हाइड्रोजन ज्यादा थी उस एनवायरनमेंट में, वाटर, अमोनिया, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन। That's why उस reducing environment में कुछ initial या basic reactions हुए। ये Oparin, Alexander Oparin और JBS Haldane उनका concept है। फिर इसको theory को prove किया बाद में कुछ दूसरे scientists ने। The primitive atmosphere was not conducive to life, के life जो है उसके लिए start हो सकती। इसमें जो energy sources थे such as ultraviolet rays, gamma rays, lightning, radiation, they were much greater than the earth which is having today, ki usme conditions काफी different थी। early atmosphere को totally predict करना possible तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो closest estimates हैं वो यही बताते हैं कि often it was reducing atmosphere और वहां पे reduction जो है वो possible थी। as I've mentioned कि exact condition known नहीं है, they were unknown, but Oparin उसका ये ख्याल था कि जो components से मिथेन, अमोनिया या वाटर वेपर्स वगैरह, वो एम्पल क्वांटिटी में हाइड्रोजन, सफिशिएंट क्वांटिटी में हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे थे, स्पेशली कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स, लेकिन फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इस वजह से अगर फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन होती तो शायद लाइफ इस तरह से इवॉल्व ना होती ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट के अंदर। सो एज एनर्जी हिट द मॉलिक्यूल्स इन द अर्ली एटमॉस्फेयर, बॉन्ड्स ब्रोक एंड न्यू वंस वर मेड, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कम हुए और रिडक्शन रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से इनिशियली कुछ बॉन्ड्स या कुछ इनिशियली मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। द ओशन बिकेम अ हॉट थिन सूप फिल्ड विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम, कि एक ऐसा टाइम था कि ओशन के अंदर हॉट थिन मॉलिक्यूल्स डेवलप हो गए। फिर एक एक्सपेरिमेंट है बड़े फेमस हिस्ट्री में ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, मिलर एंड ज्यूरे एक्सपेरिमेंट।
ये एक उसका अपरेटस शो किया गया जिसमें वाटर वेपर्स वाटर को हीट करने के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं. इनिशियल कंडीशंस दी गई, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज, लाइटनिंग जो सिमुलेशन है लाइटनिंग प्रोड्यूस करने के लिए वो दी गई, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइपोथेटिकली सोचा गया कि ये गैसेस मौजूद थी, उन मिक्सचर ऑफ गैसेस को यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस दिए गए और कंडेंसर जो कि उसको कूल डाउन कर रहा था, फिर वाटर की फॉर्म में कंडेंस लिक्विड को सिलेक्ट किया गया, उसको सेपरेट आउट करके देखा गया सैंपलिंग के लिए कि अगर इस लाइटनिंग हीटिंग के बाद ये गैसेस ये सब्सटेंसेस गुजरे हैं पैसेज हो उनका और फिर उसके बाद जो वाटर है वो कूल हो दोबारा से, तो क्या उसमें कोई लाइफ फॉर्म्स इनिशियल बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं या नहीं. तो ये देखा गया कि वाकई कुछ इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनिशियल बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे. ये स्टेनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे, इनके एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट्स. इन्होंने इनिशियल टेस्टिंग के बाद केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया एंड दे वर सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग सम बेसिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ सच एज अमाइनो एसिड्स, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स इफ फास्फोरस वाज एडेड. तो ये कुछ इनिशियल जो है वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका. इसके अलावा सिडनी फॉक्स, ये साइंटिस्ट सामने आपको नजर आया, हीटेड द अमाइनो एसिड एट हाई टेम्परेचर इन सॉल्ट वाटर, जैसे मरीन वाटर की कंडीशंस होती हैं, और उसे फिर नजर आया दैट लार्ज प्रोटीन ग्रोइंग एंड बर्डिंग ऑफ टू मेक मोर. जैसे ये प्रोटीन्स हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन को ऑपरेन ने कहा था क्वेसरवेट्स, कि ये क्वेसरवेट्स हैं जो इनिशियल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन पॉलीसेक्राइड्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स. द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस सराउंडेड देमसेल्व्स विद अ वाटरी शेल एंड अलाउड द इनसाइड टू डिफर फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वो डिवेलप होना शुरू हुए. जैसे जैसे ये क्वेसरवेट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल सिंथेसिस हुई और इनिशियल जो मॉलिक्यूल्स थे लाइफ के वो डिवेलप होना शुरू हुए इस हॉट थिन सूप में. और ऑपरेन का ख्याल है कि जो फर्स्ट सेल्स डिवेलप हुए होंगे यकीनन वो हेटरोट्रॉफ थे, वो केमिकल्स जो एनवायरमेंट के अंदर थे उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे. क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट रिक्वायर्स मोर सेट ऑफ एंजाइम एज कंपेयर टू हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक में तो बस डाइजेशन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट ही करना है, उनसे न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ही लेनी है. लेकिन ऑटोट्रॉफिक लाइफस्टाइल में, ऑटोट्रॉफिक वे में केमिकल्स को सिंथेसाइज भी करना होता है, मटेरियल्स को सिंथेसाइज भी करना पड़ता है. सो इनिशियल जो सेल्स थे उनके बारे में कहा जाता है वो ऑटोट्रॉफ थे, सॉरी हेटरोट्रॉफ थे, और जैसे जैसे एनवायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हुई तो हेटरोट्रॉफिक सेल्स कन्वर्ट हो गए फिर ऑटोट्रॉफिक मोड की तरफ. ये भी इनिशियल एक जो है वो थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे लाइफ डिवेलप हुई होगी वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ सी में रिलीजिंग गैसेस इनक्लोज्ड इन बबल्स, द गैसेस कंसंट्रेटेड इनसाइड दीज बबल्स. ये बबल्स से रिलेटेड थ्योरी है जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स और उसको मिलाकर केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है. व्हेन द बबल्स पर्सिस्टेड लॉन्ग एनफ टू राइज टू द सर्फेस दे पॉप रिलीजिंग देयर कंटेंट्स टू द एयर. उसके बाद क्या हुआ, बम्बार्डेड बाय द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइटनिंग एंड अदर एनर्जी सोर्सेज द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिलीज्ड फ्रॉम द बबल्स रिएक्टेड टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे फेल बैक इनटू द सी, दोबारा से सी में एंटर हुए एंड देयर दे कुड अगेन बी इनक्लोज्ड इन बबल्स एंड बिगिन द प्रोसेस अगेन. ये बबल इनक्लोज हाइपोथेसिस, ये बबल हाइपोथेसिस भी कहलाता है कि बार बार इस तरह से उनके मिलने से मॉलिक्यूल्स के कुछ सिंपल लाइफ की जो फॉर्म्स हैं वो डेवलप हुई. तो ये केमिकल एवोल्यूशन तो सेल के ओरिजिन को इस तरह से एक्सप्लेन करता है. जबकि पैनस्पर्मिया, पैन का मतलब होता है एंशियंट, ऑल एंड स्पर्मा मींस सीड, ये एक एंशियंट ग्रीक के वर्ड से जो है वो डिराइव्ड है, इज अ हाइपोथेसिस दैट लाइफ एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स. पूरी दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्पेस डस्ट, मेटियोराइट्स, asteroids, comets, planetoids, and also by spacecrafts carrying unintended contamination by the microorganisms. कि spacecrafts move करते हैं एक planet से दूसरे planet में और asteroids, meteoroids
जिसे आप उर्दू में शहाबी पढ़ते हैं, शहाबे साकिब, उनके हवाले से कि उसके थ्रू उनके साथ कोई ना कोई माइक्रोब्स इनिशियल लाइफ फॉर्म्स अटैच्ड होती हैं, जब वो किसी दूसरे प्लेनेट पे इस तरह से मूव करती हैं तो उसमें लाइफ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इट वॉज हाइपोथेसाइज्ड इन 1864 दैट लाइफ मस्ट हैव कम फ्रॉम एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स। तो ये थीरी कहलाती है पैनस्पर्मिया। There is no known circumstances in which it can be confirmed that microscopic beings came into the world without germs, without parents similar to themselves. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है उनपे डिस्कशन की जाती है जो बड़ा वेरी करते हैं, बड़ा जो है वो डिफरेंट नेचर शो करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप पैनस्पर्मिया थीरी की एविडेंसेज देखना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप टार्डीग्रेड्स या टार्डीग्रेडा उनके बारे में जरूर पढ़िएगा कि उनकी नेचर या उनको एलियन स्पीशीज क्यों कहा जाता है टार्डीग्रेडा को। खैर पैनस्पर्मिया तो बताती है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स ही एलियन है, ये दूसरे प्लैनेट से ही शिफ्ट हुए हैं। खैर ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इनिशियल सेल्स जो डिवेलप हुए होंगे यकीनन वो प्रोकैरियोटिक टाइप के होंगे, जो फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि राउंड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। फिर इसमें प्रोकैरियोट आप लोग जानते हैं विच आर विदाउट membrane bounded structures or definite nucleus like eukaryotes, वो develop हुए। और first जो bacteria थे वो यकीनन heterotrophic थे, archaeobacteria, earliest heterotrophic prokaryotes, they gave off carbon dioxide gas as they were not photosynthetic, they were not oxygen releasing। बाद में मैंने बताया जब nutrients कम होना शुरू हुए तो वही heterotrophic organisms वो convert हो गए थे autotrophic organisms में। Like in prokaryotes के बाद कुछ cyanobacteria develop हुए, primitive prokaryotic photosynthetic organism जो oxygen releasing थे। Actually कुछ prokaryotes तो methanogens हैं, कुछ extreme halophiles, extreme salty condition में अब भी मिल जाते हैं, और कुछ extreme thermophiles हैं, जैसे archaeobacteria में आपने tap polymerase thermus aquaticus उसको पढ़ा हुआ PCR में कि वो heat loving bacteria जो है अब भी मिलते हैं, इन्हें थर्मोफाइल्स या एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है ऐसे बैक्टीरिया को। दे थॉट टू हैव स्प्लिट फ्रॉम बैक्टीरिया 2 बिलियन ईयर्स अगो। एंड सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे हैव स्ट्रॉन्गर सेल वॉल, सिंपलर जीन स्ट्रक्चर, कंटेन मोस्ट मॉडर्न प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं और ये मॉडर्न प्रोकैरियोट्स हैं जिसमें पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो ऑक्सीजन रिलीजिंग है। जब ये साइनोबैक्टीरिया डेवलप हो गए तो कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे तो जो अर्थ की एटमॉस्फेयर थी वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गए। और आयरोनिकली फनी ये बात है थोड़ी सी कि भाई देखें, ये पहले जब ऑक्सीजन नहीं थी तो एबायोजेनेसिस पॉसिबल थी, लाइक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेलप हो रहे थे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के डिवेलप होने के बाद नो डाउट ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर भी डेवलप होना शुरू हो गई, लेकिन अब ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन आ गई और एबायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं थी। अब क्या था, अब यही था कि जो सेल्स पहले से प्रेजेंट हैं उन्हीं में मॉडिफिकेशन होकर नए सेल्स बनेंगे, नॉन लिविंग सेल्स से या नॉन लिविंग जो मटीरियल है उससे लिविंग सेल्स डिवेलप नहीं होंगे। सो दैट्स वाई फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का जो एवोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट आइडियाज या थीरीज दी गई, जैसा कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है या एंडोसिम्बायोसिस है। यूकैरियोट्स नो डाउट दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स। इसमें जो हम यूकैरियोट के एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के हवाले से एक थ्योरी पढ़ते हैं दैट इज एंडोसिम्बायोसिस, और एंडोसिम्बायोसिस में आप अगर देखें कि एंडोसिम्बायोसिस के हवाले से इंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डेवलप हुआ या न्यूक्लियस दूसरे ऑर्गेनेल्स कैसे डेवलप हुए, ये माइटोकॉन्ड्रिया और स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के हवाले से कहा जाता है ये इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स से, बाद में ये सेल्स के साथ सिम्बायोटिकली डेवलप होने लग गए। मैडम लिन मार्गिलिस की थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आप पढ़ चुके हैं कि एंडोसिम्बायोटिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बाद में डेवलप हुए, तो यूकैरियोट का डेवलप हो जाना ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीप था। तकरीबन लाइफ का ओरिजिन हमने पढ़ा 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन साल पहले, और फर्स्ट कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल के बारे में कहा जाता है
वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो डेवलप हुए. दैट मींस कि प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट के बनने तक का टाइम 2 बिलियन साल था, और जब यूकैरियोट बन गए उनसे बनने के लेकर बनने से लेकर अब तक का टाइम जस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो है. दैट्स मार्वेलस कि पहले 2 बिलियन साल में बहुत कम एवोल्यूशन हुआ और 1.5 बिलियन ईयर्स में कितना ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है. दैट मींस यूकैरियोट कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, ज्यादा एडेप्टिव हैं, ज्यादा स्टेबल हैं, और उनकी डेवलप हो जाने से फिर लाइफ ज्यादा तेजी से डेवलप हुई. ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की गई थी. आपकी जो मार्क रिडले की बुक है वहां पर एक ओरिजिन ऑफ लाइफ का टॉपिक मैक्रो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, मैक्रो एवोल्यूशन में, और वहां पे बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से डिस्कशन ज्यादा दी गई है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल्स आरएनए थे प्रोबेबली, और बाद में ऑर्गेनिज्म ने ज्यादातर जो मटेरियल है वो डीएनए की तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि आरएनए में राइबोस शुगर होती है जो रिएक्टिव है एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोस. डीऑक्सीराइबोस में आप लोग जानते हैं सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होती जो उसको लेस रिएक्टिव बनाती है. तो वहां से आप देखें ये भी आप मटेरियल के साथ यूज करें, आपका ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, पैनस्पर्मिया एंड केमिकल एवोल्यूशन, एंड यू मे टेक सम हेल्प फ्रॉम द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम चैप्टर 5 मैक्रो एवोल्यूशन. मार्क रिडले की जो बुक से है वहां से भी आप इससे यूज कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है यहाँ तक तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए ताकि फिर मैं आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर सकूँ. थैंक यू सो मच.